हाउ आर यू ऑल ओके टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर फोर ओपन पेज नंबर थर्टी सेवन पेज नंबर थर्टी सेवन को ओपन करें हमने पेज नंबर थर्टी सिक्स तक कर लिया था आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू सेलेक्ट वेरियस फाइल्स और फोल्डर्स की मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स और फोल्डर्स को हमने कैसे सेलेक्ट करना है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक विंडो ओपन की हुई है जिसमें बहुत सारी फ़ाइल्स है देखिए कितनी फाइल्स हैं इसमें ठीक है थीके? टोटल इसमें थर्टीन फाइल्स ठीक अब मुझे जो है ना जस्ट फर्स्ट एंड फाइल्स को सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे सेलेक्ट कर लूँगी आज हम वो सीखेंगे ठीक है ओके टू सेलेक्ट एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स क्लिक द फर्स्ट फोल्डर टू बी सेलेक्टेड होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट फोल्डर और फाइल टू बी सेलेक्टेड अच्छा आपने क्या करना है माउस के थ्रू सबसे पहले फ़र्स्ट फाइल को क्लिक करना है ठीक है उस फाइल को क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद आपने शिफ्ट के की को प्रेस करना है शिफ्ट की प्रेस करने के बाद आपने जहाँ तक आपने फाइल सेलेक्ट करनी है उस लास्ट फाइल को आपने क्लिक करेंगी तो आपकी सारी की सारी फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी ठीक है दोबारा समझा देती हूँ कि पहले आप फर्स्ट फाइल को क्लिक करें फिर उसके बाद कीबोर्ड के थ्रू शिफ्ट की को प्रेस करें फिर उसके बाद जितनी फाइल्स आपने सेलेक्ट करनी है फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपने सेलेक्ट करनी है फिर आपने ये वाली फ़ाइल को सेलेक्ट करना है ठीक है इसको क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी फ़ाइल्स सेलेक्ट हो जाएंगी ठीक है फिर उसके बाद ये तो एडजेसेंट फाइल्स होगी और एडजस्टेंट फाइल्स कौन सी फाइल्स होती हैं यानी एक फ़ाइल के बाद दूसरी फाइल ठीक है इसको हम एडजेसेंट फाइल्स बोलते हैं ठीक अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने नॉन एड एडजस्टेंट फाइल्स को सेलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी फॉर एग्जांपल नॉन एडजस्टेंट फाइल्स कौन सी आपकी यानी रैंडम फाइल्स ये वाली फ़ाइल मैंने सेलेक्ट करनी है ये वाली करनी है ये वाली करनी है ठीक है तो उसको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है सेम आपने फर्स्ट फाइल को सेलेक्ट करना है ठीक है यहाँ पे लिखा है टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सेलेक्टेड पहले आप फर्स्ट फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करो देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की इधर आपने एडजेसेंट फाइल्स में आपने शिफ्ट की को प्रेस किया था ठीक है नॉन एडजेसेंट फाइल्स में या फोल्डर्स में आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है फ़र्स्ट फाइल को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस करना है ठीक है फिर उसके बाद आपने रेंडम जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है उसको क्लिक करेंगे ठीक है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी ठीक है यानी हमने आज क्या सीखा एडजेसेंट फाइल्स को सेलेक्ट करना और नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करना सीखा ठीक है अब पेज नंबर थर्टी एट में हमारे पास क्या है कि हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ़ द डेस्कटॉप ये हमारे पास क्या है डेस्कटॉप है इस डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हमने कैसे चेंज करना है ठीक है सबसे पहले आप क्या करेंगे आपने डेस्क टॉप कर्सर को लेकर आना है ठीक है कर्सर को लाने के बाद आपने उसको राइट क्लिक करना है माउस के टू बटनज होते हैं ना लेफ़्ट राइट आपने लेफ्ट बटन को प्रेस करना है तो आपके पास ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी ठीक है इस विंडो में सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास होगा पर्सनलाइज का उस पर्सनलाइज ऑप्शन को आपने क्या करना है क्लिक करना है जब आप पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक कर दोगे तब आपके पास विंडो ये वाली अपीयर हो जाएगी ठीक है ये वाली आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी इसमें आपके पास एक ऑप्शन होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड का आपको नजर आ रहा होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा इसको आपने क्लिक करना है ठीक है जब आप उसको क्लिक करोगे तब तो आपके पास बहुत सारे डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स आ जाएंगे ठीक है इसमें से आपने कोई भी बैकग्राउंड अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर लें चाहिए सेलेक्ट कर लें चाहिए उस सेलेक्ट करने के बाद आपने सेव चेंजेस को ऑप्शन को क्लिक करना है उसको क्लिक करने के बाद आपका डेस्कटॉप चेंज हो जाएगा ठीक है डेस्क टॉप को चेंज करने का तरीका बहुत ही ईजी है जस्ट आपने क्या करना है पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे विंडो अपीयर होगी उसमें आपके पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप टॉप बैकग्राउंड आ जाएंगे अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर लें और सेव कर लें तो आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ठीक है अब पेज नंबर फोर्टीन की तरफ मूव करते हैं कि उसमें क्या है हमारे पास हाउ टू चेंज द स्क्रीन सेवर अच्छा अभी पहले हमने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चेंज करना सीखा अब हमने स्क्रीन सेवर को चेंज करना सीखना है ठीक है स्क्रीन सेवर को चेंज करने का भी सेम यही तरीका है आपने क्या करना है कर्सर को डेस्कटॉप की तरफ लेके आना है राइट right क्लिक करेंगे फिर उसके बाद पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी इस विंडो पे आपके पास स्क्रीन सेवर का ऑप्शन होगा ठीक है ये आपके पास क्या है स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है इस स्क्रीन सेवर ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी ठीक है स्क्रीन सेवर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो आ जाएगी इसमें आपके पास ये रिबन ठीक है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इसमें ढेर सारे स्क्रीन सेवर आ जाएंगे उसकी आपकी अपनी मर्जी आप उसमें से कोई भी ऑप्ट करके ठीक है उसको सेलेक्ट करो और फिर उसके बाद उसको ओके कर दो तो आपका स्क्रीन सेवर भी चेंज हो जाएगा ठीक है अच्छा स्क्रीन सेवर का आप टाइम भी देख दे सकते हो कि आपका जो डेस्कटॉप होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड वाला जो होता है ठीक है यानी वो कितने मिनट तक रहना चाहिए अगर एक मिनट तक रहना चाहिए तो आप इधर एक मिनट लिख लो ठीक है आप ये चूज़ कर लो एक मिनट या टू मिनट्स आप चाहते हो या फाइव मिनट्स या टेन मिनट्स ठीक है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इधर आप टाइम चेंज कर सकते हो टाइम चेंज करो उसी टाइम के बाद आपका स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ठीक है अच्छा फिर उसके बाद पेज नंबर फोर्टी टू पे हमारे पास क्या है कि हाउ टू रीसाइज अ विंडो विंडो का रीसाइज कैसे करना है मतलब उसको छोटा बड़ा या मीडियम साइज में कैसे करना है ठीक है रीसाइजिंग मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ द विंडो ठीक है रीसाइजिंग का क्या मतलब है विंडो के साइज को चेंज करना यू कैन रीसाइज द विंडो टू टू मेक दैम लार्जर और स्मॉलर ठीक है अच्छा विंडो के साइज़ को आप स्मॉल भी कर सकते हो लार्ज भी कर सकते हो इफ़ विंडो इज़ ऑलरेडी मैक्सीमाइज अगर आपकी विंडो जो है ना वो ऑलरेडी मैक्माइज़्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आपकी विंडो मैक्माइज़ होती है ठीक है अगर आपने ऑलरेडी मैक्सीमाइज़ की हुई है ठीक है तो उसको कह रहे हैं ऑन द रिस्ट और बटन ऑन द वडो कंट्रोल बटन्स ठीक है अगर आपने ऑलरेडी मैक्सिमाइज की हुई है तो ठीक अगर आपने करनी है तो आप इस बटन से कर सकते हो ठीक है अपने विंडो को मैक्सिमाइज और दूसरी बात अगर आपने यानी एक दूसरा मेथड भी है विंडो को बिग करना या फिर स्मॉल करना वो ड्रैग के थ्रू होगा ठीक है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू मूव द माउस पॉइंटर टू एनी एज माउस पॉइंट किसी भी एज पे रखें या इस एज पे रखें विंडो के या इस एज पे रखें ठीक है आपने क्या करना है फिर उसके बाद आंटिल यू सी अ डबल हेडेड एरो ये वाला आपका क्या है डबल हेडेड एरो ये वाला ठीक है जब आप अपना माउस का कर्सर जो है वो इस विंडो पे या इस विंडो पे रखेंगे ठीक है तो क्या होगा कि आपका डबल हेडेड एरो आ जाएगा डबल हेडेड एरो आने के बाद अच्छा डबल हेडेड एरो आने के बाद आपने क्या करना है उसको माउस के थ्रू ड्रैक करना है ठीक है ड्रैग का क्या मतलब होता है उसको यानी अगर माउस आपके यहाँ पे है तो उसको आपने माउस को ड्रैग करना है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ठीक है तो ये हो गया आपका हाउ टू रीसाइज अ विंडो रीसाइज विंडो मीन्स स्मॉल करना या उसको लार्ज करना ठीक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये आप ख़ुद करेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा साथ में एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है ठीक है अब पेज नंबर फोर्टी थ्री पर देखें हाउ टू मूव अ विंडो इन एमएस विंडोज अ विंडो कैन बी मूवड ओनली इफ इट इज नॉट मैक्सिमाइज टू मूव द विंडो फॉलो द गि स्टेप्स अच्छा वो कह रहे हैं एमएस विंडो तभी मूव हो सकती है जब आप कि विंडो जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होती ठीक है अगर आपकी विंडो ऑलरेडी आपने मैक्सिमाइज़ की होगी तो आपकी विंडो मूव नहीं होगी ठीक है मतलब आपने फुल स्क्रीन पे आपकी विंडो वो आ रही है ठीक है फुल स्क्रीन पे आपका एक मेन्यू अपीयर हो रहा है ठीक है तो फिर जाहिर सी बात उसने तो मूव नहीं करना जब आपका आपकी विंडो मैक्सिमाइज नहीं होगी तभी उसकी मूवमेंट होगी ठीक है तो अब मूवमेंट करने के लिए क्या करना है मूव द माउस पॉइंट टू द टाइटल बार टाइटल बार के ऊपर आपने क्या करना है माउस पॉइंटर पे रखना है ठीक है क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए रखना है और उसको ड्रैग करना है पहले हमारे पास विंडो यहाँ पे थी ठीक है ये विंडो हमारे पास यहाँ पे हमने माउस पॉइंटर के थ्रू ड्रैग किया इधर ले आए ठीक है थीके? इस विंडो को हमने यहाँ पे ड्रैग कर दिया ठीक है हाउ टू मूव अ विंडो तो क्या मतलब है यानी विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना फिर उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक है हाउ टू एग्जिट और क्विट विंडोज़ अब आपने कैसे क्विट करना है और एग्जिट कैसे होना है ठीक है टू एग्ज़िट विंडोज़ फॉलो द गिवन स्टेप्स क्लिक ऑन स्टार्ट बटन सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे देन क्लिक ऑन शट डाउन इसमें शट डाउन का ऑप्शन होगा इसको क्लिक करेंगे ठीक है फिर एक मैसेज आपके पास अपीयर हो जाएगा और फिर जब वो मैसेज आप पढ़ लेंगे उसके फ़ौर ही बाद जो है ना आपकी विंडो शट डाउन होना शुरू हो जाएगी ठीक है यानी अ मैसेज विंडोज इज़ शटिंग डाउन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन यानी शट डाउन का मैसेज आपके पास आ जाएगा आफ्टर सम टाइम्स द विंडो शट डाउन एंड द स्क्रीन बिकम्स ब्लैक इन कलर ठीक है यानी जब आपकी विंडो शट डाउन हो जाएगी तो आपकी स्क्रीन भी ब्लैक हो जाएगी ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट द फोर्थ चैप्टर आपके इस फोर चैप्टर्स में आपके एलेवन प्रैक्टिकल्स हैं ठीक है स्क्रीन सेव को कैसे चेंज करना है आपने डेस्कटॉप uh, के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है विंडो को कैसे मूव करना है क्विट कैसे करना है स्टार्ट कैसे करना है ठीक है तो ये टोटल एलेवन प्रैक्टिकल्स हैं तो ये अब आपकी एक्टिविटी है कि आपने हर रोज़ दो दो प्रैक्टिकल्स अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे करने हैं ठीक है थीके? ताकि आपको समझ जाए और आप सीख जाओ कि इस चैप्टर में क्या था ठीक है थैंक यू सो मच